नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बड़े बड़े भाग कैसे करें ये सीखने वाले हैं, हाउ टू डू लॉन्ग डिवीजन। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर लॉन्ग डिवीजन यानी कि जो बड़े बड़े भाग होते हैं, जो लंबे भाग होते हैं, उनको कैसे किया जाता है, उसके ऊपर से एक वीडियो बना दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक लंबा भाग, यानी कि देखिए इतनी लंबी संख्या है जिसमें हमें दो से भाग देना है, और ये जो भाग है ना ये बहुत लंबा जाएगा नीचे तक, ठीक है। तो ये जो है एक लॉन्ग डिवीजन है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है भाई दो से हमें इतने बड़े नंबर में भाग देना है। तो भाग देने का तरीका क्या है, यहां पर देखिए क्या है, सिंगल अंक है, मतलब कि एक अंक की संख्या है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यहां पर क्या एक अंक में इस दो का भाग जा सकता है। यह संख्या दो से बड़ी है मतलब भाग जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दो का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि या तो नौ आ जाए या नौ से थोड़ा कम आए, लेकिन नौ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीय छह, दो चौके आठ, दो पंजे दस, दस तो ज्यादा हो जाएगा नौ से, तो दो चौके आठ, ठीक है। दो का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, चार बार, आया कितना आठ आया, ठीक है, दो चौके आठ। तो आठ को हम नौ के नीचे लिख देंगे और क्या करेंगे इसको घटाएंगे। तो देखिए नौ में से आठ जाएंगे क्या बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना होता है, इसका अगला नंबर क्या है, आठ है। तो अब आठ को हम क्या करेंगे यहां पर उतार लेंगे, तो ये क्या है देखिए आठ यहां पर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हो गया अठारह। अब हम दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 18 आए या 18 से कम आए, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीय छह, दो चौके आठ, दो पंजे दस, दो छिंग बारह, दो सत्य चौदह, दो अट्ठे सोलह, दो नाम के 18। दो का पहाड़ा कितनी बार, नौ बार पढ़ने पर कितना आता है, 18 आता है। तो हम यहां पर लिख देंगे 18 और फिर से क्या करेंगे, जैसे यहां पर घटाया था वैसे यहां पर घटा देंगे। तो चलिए घटाइए, 18 में से 18 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहां तक का हो गया। अब इसका अगला नंबर क्या है, दो है, तो अब दो को उतार लीजिए यहां पर, ठीक है। दो को यहां पर उतारेंगे तो ये आ गया हमारा दो। अब दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि दो आ जाए, दो का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ही हमारा कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया एक, दो का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आता है, दो आता है। तो ये हमने पढ़ लिया, अब इसको भी घटा दीजिए, दो में से दो घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर उतारिए, इसका अगला नंबर क्या है, छह है, तो छह को हम उतारेंगे यहां पर। अब दो का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि छह आए या छह से कम आए, लेकिन छह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीया छह, दो का पहाड़ा तीन बार पढ़ने पर कितना आता है, छह आता है। तो तीन यहां पर लिखेंगे, दो का पहाड़ा तीन बार पढ़ने पर कितना आता है, छह आता है। तो इसको छह के नीचे लिखिए और घटा दीजिए, घटाएंगे देखिए छह में छह जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है, नौ है, नौ को उतार लीजिए यहां पर, तो ये आ गया हमारा नौ। अब दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो नौ आ जाए या नौ से थोड़ा सा कम आए, लेकिन नौ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीय छह, दो चौके आठ, दो पंजे दस, दस ज्यादा हो जाएगा तो दो चौके आठ, तो यहां पर आ जाएगा चार और यहां पर आ जाएगा आठ, ठीक है। अब इसको घटाइए, नौ में से आठ जाएंगे कितना बचेगा, एक बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है, सात, तो अब सात को उतार लीजिए यहां पर, ठीक है। अब यहां पर सात को उतारेंगे तो देखिए दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो सत्रह आए या सत्रह से कम आए, लेकिन सत्रह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो नाम है अठारह, दो का पहाड़ा नौ बार पढ़ते हैं अठारह, तो अठारह ज्यादा हो जाएगा तो दो अट्ठे सोलह, ठीक है। तो दो का पहाड़ा आठ बार पढ़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, दो अट्ठे सोलह, और यहां पर घटाइए तो सत्रह में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे, सॉरी सत्रह में से सोलह जाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है, क्लियर है, एक बचा है यहां पर, ठीक। अब चलिए अब इसके बाद अगला नंबर क्या है, तीन है, तो अब तीन को यहां पर उतार लीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा, तेरह हो जाएगा, ठीक है। अब हम दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो तेरह आए या तेरह से कम आए, लेकिन तेरह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीय छह, दो चौके आठ, दो पंजे दस, दो छिंग बारह, दो सत्य चौदह, तो चौदह इससे ज्यादा हो जाएगा तो दो छिंग बारह, छह बार में, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया छह और यहां पर लिख दिया बारह, ठीक है। अब इसको घटाइए, तेरह में से बारह जाएंगे कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि यहां पर आपको दिखता रहे, ठीक है। तो तेरह में से बारह को घटाएंगे तो एक बचेगा, ठीक है। अब इसका अगला नंबर उतारेंगे दो, तो दो उतार लेंगे हम यहां पर, ठीक है, दो हमने यहां पर उतारा। अब हम दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 12 आए या 12 से कम आए, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, तो दो ही छिंग 12, छह बार में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये हो गया 12 और यहां पर ये हमने इसको काट दिया। तो ये जो है हमारा भाग का सवाल पूरा हो गया है और आंसर कहां पर है, ये हमारा क्या है, आंसर
हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लंबे लंबे भाग होते हैं उनको किया जाता है। यहाँ पर कुछ भी हमें अलग से प्रक्रिया नहीं करनी है, एक एक को सॉल्व करते हुए जाना है और हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से जो लंबे लंबे भाग होते हैं उनको किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।